Guys, welcome back to my channel. So this is me Priyanka Shekhawat and I hope you all are doing great. तो फ्रेंड्स अभी सुबह उठ गई थी मैं, रेडी हो गई हूँ फटाफट से. पता है मैं इयर रिंग्स बड़े वाले लाई थी, बट ना मेरा मन ही नहीं होता इतना हैवी अभी पहनने का, एकदम मन नहीं होता इतना, मतलब फिर मुझे भारी लगता है. इससे छोड़ो, ये ठीक है जो भी है. तो मैंने ये पहन रखा है, द कुर्ता इज फ्रॉम रंगीता. ऑलरेडी शेयर्ड द वीडियो ऑन माई इंस्टाग्राम. तो गाइज अभी बस हम लोग उठे हैं प्रॉपर्टी के बाहर. ये देखो मैं बालकनी मिली है, उसके बाहर का व्यू देखिए आप, कितना सुंदर है. इधर पूरा पहाड़ पहाड़ खुला खुला, कितनी फ्रेश एयर लग रही है. ये है बालकनी और इधर से हमारा रूम है. और ये देखो केक पड़ा जो सत्यानाश कल हुआ था, यहाँ का पूरा इधर ही कर दिया था, अभी बाद में क्लीन करेंगे. ये है बर्थडे बॉय. ए बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे टू यू. अरे रिस्पॉन्स ही नहीं देते हो कुछ. थैंक यू बोलो अभी. थैंक यू. अच्छी लग रही है शर्ट, तो वो ब्लू वाली नहीं छोड़ के ये इन्होंने ये येलो वाली शर्ट ली थी. कमेंट में बताना कैसी लग रही है. तो अभी हम लोग उठ चुके हैं, हम लोग एक ही करके वो दोनों लोग भी नहा लें, फिर हम चलते हैं कहीं पे. तो तब तक हम कराते हैं थोड़ा सा अपना फोटो शूट. एक बार मैं बैक कैमरे से आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. गाइस ये यहाँ का पूरा व्यू, इतना प्यारा सा लग रहा है. सुबह तो और सुंदर लग रहा था, थोड़ी धूप जब आई थी तो ज़्यादा प्यारा लग रहा था. अभी भी पूरा धूप धूप हो रखा है ये देखो पूरा. और यहाँ पे एक पहाड़ एक ही दिख रहा है मुझे, वही मैं पूछ रही थी कि यहाँ एक ही पहाड़ है, लेकिन अभी होंगे आगे. और इधर है हमारे होटल की बालकनी जो कि पूरी गंदी हो चुकी, वो अच्छी आई. तो इधर से ये देखो पूरा रात का केक, इधर से बालकनी. काफ़ी बड़ा रूम मिला था वैसे, अब तो गंदा हो चुका, मैं दिखाना भूल गई थी. इधर है ड्रेसिंग, फिर अंदर है बाथरूम. ये मंदिर तक जाएगी गाड़ी? कितनी दूर है यहाँ से? जो ऑरेंज कलर का बिल्डिंग है वही मंदिर ही है, वही बगल में गाड़ी लगी. ये सामने वाला ऑरेंज कलर का, वो आगे दिख रहा है. अच्छा, तो बगल में मंदिर आ गया, दर्शन करें. कहाँ लंदन में बताते हो तो कह रहे हैं सामने वाला मंदिर है. गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं ये कामतगिरी मंदिर, सबसे पहले यहीं आए हैं दर्शन करने. बड़ा मंदिर रामघाट तो हम लोग कल चले गए थे, रामघाट के बाद में अभी यहाँ आए हैं कामतगिरी टेम्पल. तो यहाँ पे 5-6 चीजें हैं घूमने वाली, बट दिन लग जाएगा क्योंकि भीड़ वगैरह भी होगी ना मंदिर में. तो अभी फिलहाल तो कामतगिरी मंदिर के दर्शन करेंगे, गाड़ी पार्क कर दी है. और इसके बाद जाएंगे, गुप्त गोदावरी है और हनुमत धारा है, 2-4 चीजें और हैं. तो अभी प्रसाद लेंगे फिर मंदिर जाएंगे. तो आप वीडियो एंड तक देखना, आपको भी समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या घूमने वाला है और क्या कैसे लगता है. सो गाइस यहाँ पे हाथ धो लिए और यहाँ शूज उतार दिए, प्रसाद भी ले लिया हमने. प्रसाद क्या? अब यहाँ सामने दिख रहा है मंदिर. अच्छी किस्मत है, सब में निकला है सब. हाँ डब्बा बस बस. भाभी वाले में पनिए नहीं है, हेलो कर क्या माइक पे बढ़ते हुए. हम्म, चार किलोमीटर का परिक्रमा है जो मैं ऐसे पैदल चलना है. और इसके बीच में भी 2-4 चीजें मिलेंगी घूमने वाली, तो मैं दिखाऊंगी अभी आपको, आगे टाइम कर देखना.
गाइस अभी बहुत तेज धूप हो रही है ना, पैर पूरा जल रहा है अभी यहाँ पे। एक तो कंकड़ पत्थर इतने पड़े हुए हैं, बहुत तेज जल हो रहा है। अभी इधर हम लोग पहुंचे हैं रामायण दर्शन, ये रखा हुआ है। हम लोग थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करेंगे, नींबू पानी पियेंगे। हाइड्रेशन जैसा लग रहा है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं। ब्लेस यू। तो अभी हम यहाँ बैठते हैं, अच्छा है काफी ज्यादा, पैर बहुत जल रहा है। बट ओ गाइज, अभी हम जा रहे हैं लक्ष्मण पहाड़ी, एज यू कैन सी। तो खड़े जीना है, डेड काफी देर हो जाएगी, फिर हमें वापस भी जाना है, इसलिए हम लोग शॉर्टकट लेंगे। इससे हम लोग रोप वे से जाएंगे। ₹75 टिकट है इस रोप वे का, एक लोगों का आना और जाना दोनों, ठीक है। तो यार भयंकर वाली धूप है, इतनी बड़ी सी बॉटल लेके चल रही हूँ, जगह जगह पे प्यास लग रही है। तो चलो चलते हैं लक्ष्मण पहाड़ी पे, दर्शन करते हैं, वहाँ दिखाते हैं हमको कैसा व्यू आता है। आओ आगे आओ। अरे के बीच से निकलो यार। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं लक्ष्मण पहाड़ी इसके थ्रू, बिकॉज स्टेयर्स काफी ज्यादा था तो यही ठीक है अभी, क्योंकि वापस भी जाना है और कई जगह दर्शन करना है। तो अगर हम वैसे चढ़ते तो काफी लेट जाता है, वैसे वो वाला ज्यादा बेटर रहता है। तो अभी हम ये जाएंगे, बाकी बहुत मजा आ रही है घूमने में। तो आप वीडियो लास्ट तक एंजॉय करना, अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सो गाइस, ये है लक्ष्मण जी का धनुष बाण वगैरह पकड़ना। तो यहाँ जितनी भी धूप वाली जगह होती थी ना, हम लोग सारा ऐसे दौड़ दौड़ के पार करते थे, फिर कहीं ना कहीं छाया मिलती थी। गाइस, अभी हम जा रहे हैं हनुमान धारा ऊपर, अभी मैंने दिखाया था ना, दूर से दिख रहा था, तो अभी वहीं पे जा रहे हैं हम। कितने खुश। सो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं, इसमें भी बाई रोप पे जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हो ना, धूप इतना तेज हो रहा है। सो गाइस, इतना ज्यादा तेज धूप है ना, अभी वहाँ पे दर्शन करे, जब परिक्रमा करा आधा तो हो गया, आधे में जो भाग भाग के किया मैंने देखा होगा, मतलब पैर पूरे ऐसे छिल कट जैसे गए हैं। बट चलो कोई नहीं, बार बार नहीं आना होता है, बस छाले नहीं पड़े उतना ही बहुत है। तो अभी हसन भाई, अभी यहाँ क्या है, सीता रसोई है? सीता रसोई है, गुप्त गोदावरी। यहाँ थोड़ी है गुप्त गोदावरी, इसने इसके यहाँ पर, यहाँ क्या सीता रसोई, यहाँ सीता रसोई जहाँ पर राम सीता जी खाना बनाती थी। अच्छा, सीता जी जहाँ खाना। अरे ये तो खुला है, मुझे लगा यहाँ पे शीशा लगा है, अभी जा रहे तो बाहर हाथ करने। तो यहाँ सीता रसोई है और हनुमत धारा, तो दो चीजों के दर्शन करेंगे, फिर आगे जाएंगे, सती अनसुईया माता मंदिर बचेगा और गुप्त गोदावरी, तो ये दो चीजें बचेंगी, वो थोड़ी देर में कवर करेंगे। अभी ये दोनों चीज जगह जा रहे हैं, ये माल ऊपर छूट जाए नीचे तो जम जाए लगे। चुप रहो यार, इतना भी ऊंचा नहीं है। अबे कंट्रोल में है, अबे कंट्रोल में हो, आगे चलो। हाँ अभी वहाँ रोकेगा बीच में, इतनी ऊंचे आगे हम तो पैदल पैदल जा रहे हैं। देखो ना सीढ़ी जा रहे हैं, पूरा धूप रहा है, आफत आ जा रहा है, है कि नंगे पर चलते हैं। ये देखो ये जा रहे हैं, नंगे पर यहां से देखिएगा, लेकिन नंगे पर चलते हैं ना, देखिएगा चप्पल में, चप्पल में चलते हैं, ये रास्ता है। हां चप्पल में चलते हैं यहां पे ना, ए गुरु 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 वीडियो वीडियो लेकर हम कोई पैरों ला ओ सुनो घूमो बीच में ये आप लोग कह लो भाव। हेलो भाव, हमारा घर तो रहने दो।
गाइस ये हनुमान धारा है, ये अपने आप बहती है, 12 महीने बहती रहती है नॉन स्टॉप। और यहाँ पे उसका जल ऊपर भी एक धारा बह रही थी, यही हनुमान धारा। और ऊपर ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है सीता रसोई, तो वो ऊपर है, चलो चलते हैं ऊपर। सीजन चला गया, मैं रखे रखती हूँ आप लोग। नहीं धरती निकले गाइस, ये सती अनसुईया माता का मंदिर ना बड़ा सा, और इसके सामने का व्यू काफ़ी अच्छा है, बाकी जगह तो कहीं भी ग्रीनरी नहीं दिखी। और यहाँ पे ये देखो इतना क्लीन पानी है और ग्रीन ग्रीन सा व्यू, तो इधर का व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पे दर्शन करेंगे, इसके बाद शायद हम जाएंगे गुप्त गोदावरी, बस वही बचा है, उसके बाद हम जाएंगे घर। मंदिर के अंदर दर्शन करने पे फोन नहीं अलाउड होगा, मैं यहीं से दिखा दे रही हूँ आपको। तो गाइस यहाँ पे ये दाना दिया जा रहा है, यहाँ पे अभी मछली आई है, तो क्या पकड़ने के लिए इसको पकड़े हो? डालो, आ रही आ रही, थोड़ा डालो। ये देखो देखो इसके नीचे यहाँ पे है मछलियाँ, ऊपर से ब्लैक है, नीचे से सिल्वर सिल्वर है, सब घोले डाल रहे हो हम। अरे रुक लो, हमारा तो खा बिचार दर्शन से आते गाइस। ये गुप्त गोदावरी, यहाँ से मिलेंगी गोदावरी जी, ये गुफा में चल रहे हैं अभी हम लोग, एकदम एक टाइम पे एक ही इंसान जा सकता है यहाँ पे। ये है पूरी गुफा, ये देख रहे हो आप लोग, यहाँ ऊपर दर्शन हो रहे हैं। सो गाइस अभी हम लोग यही रही हैं अंदर गुफा में ही, और हमारे राइट में है गुप्त गोदावरी का कुंड है पूरा, जहाँ से गोदावरी जी निकल रही हैं, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। बहुत गर्मी है, आप देख रहे हो ना, पूरा पसीने से भरी हुई हूँ मैं। ये सिक्का जो मिला पर्स में रखना, खजाना ले लेना। क्या नाम? लायन भैया का रसगुल्ला। तो गाइस अभी हम लोग दर्शन करके आए हैं जस्ट पीछे गुप्त गोदावरी के, सब ऐसे ही बैठे हैं, मतलब वहाँ पे गुफा के अंदर एकदम घबराहट हो रहा था, डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, और पैर में ना वो छोटी छोटी गिट्टी हो रही थी, वो बहुत चुभ रही थी, तो एकदम हालत ख़राब हो रही थी। एक तो सुबह जब वहाँ सुबह कौन सा मंदिर गया था अभी जब पैर जला था, कामतगिरी मंदिर, सुबह गया था जब हम कामतानाथ मंदिर, तभी पैर इतने जल गए थे, अभी फिर जले पैर पे वो गिट्टी पड़ रही थी ना, वो ज़्यादा चुभ रही थी, तभी आ गया। मुझे पानी दे दो। अब मेन तो सारे दर्शन वैसे चित्रकूट के हो गए हैं, लेट्स सी कहाँ जाते हैं, वरना घर ही जाएंगे। सो फ्रेंड्स हमने अभी सारे मतलब ऑलमोस्ट चित्रकूट में जो भी जगह घूमने वाली थी पूरा कवर कर लिया है, और 4:30 बज रहे हैं,
अब हम जा रहे हैं वापस लखनऊ, क्योंकि फिर पहुंच नहीं पाएंगे। अभी भी अराइवल 9:30 का दिखा रहा है, तो देखो कब पहुंचते हैं। काफी दूर है यहाँ, मतलब किलोमीटर उतना नहीं है, बट रास्ता खराब है तो उस वजह से टाइम लग जाता है। तो यही था हमारा छोटा सा ब्लॉग। तो चलो गाइस, छेरी क्या होता है? बकरी छगड़ी होता है। तो चलो गाइस, मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।